लिटरेसी मतलब साक्षरता किसी भी कंट्री की सोशल वेलबींग का या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम अंदाजा लगा सकते हैं लिटरेसी रेट की हेल्प से। साक्षरता मतलब उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है या कितनी अनपढ़ है, इस पैरामीटर के बेसिस पर भी हम उस कंट्री की एडवांसमेंट का, उसकी डेवलपमेंट का एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जो कंट्रीज ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, जिनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन लिटरेट होती है, पढ़ी लिखी होती है, वेल एजुकेटेड होती है, क्वालिफाइड होती है, एकदम क्वालिटी पॉपुलेशन उस कंट्री में रहती है, उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी ज्यादा होती है, उतनी हाई होती है। वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ को पता करने के लिए, वहां का HDI वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो लिटरेसी को समझ लेते हैं कि ये किस तरह से हमें किसी कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में एक इंडिकेशन देती है, एक अंदाजा देती है। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि अर्बन और रूरल बेसिस पर भी हम कंट्री की डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं, जिस कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में रहती है, मेगा सिटीज में, शहरों में रहती है, वो कंट्रीज ज्यादा डेवलप, ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि सिटीज में जो मैक्सिमम लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज को छोड़कर बाकी वाली जो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज हैं उनमें लोग काम करते हैं, और जिस कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन अदर देन प्राइमरी सेक्टर्स में काम करती है वो कंट्रीज ज्यादा अच्छी, ज्यादा डेवलप्ड मानी जाती है। ठीक उसी तरह से जिस कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन लिटरेट होती है, पढ़ी लिखी होती है, क्वालिफाइड होती है, वो कंट्रीज उतनी अच्छी मानी जाती हैं, उतनी डेवलप्ड मानी जाती हैं वो। वहां की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, लोग अवेयर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, और वो अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव साबित होते हैं, कंट्री की बहुत हेल्प करते हैं वो लोग। ठीक है, वहीं पर जिस कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन अनपढ़ होगी, बैकवर्ड होगी, प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज होगी, तो प्राइमरी एक्टिविटीज में काम करके कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो सकती है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिटरेट कौन है और इलिटरेट कौन है। ध्यान देना, किसी भी कंट्री के लिटरेसी रेट से ये पता लगता है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर पर कितना पैसा खर्च करती है, उस कंट्री का कितने परसेंट बजट जो है वो एजुकेशन पर खर्च होता है, वहां के लोगों को पढ़ाने के लिए वहां की सरकार कितनी ज्यादा अवेयर है, कितनी इंटरेस्टेड है, ये उसकी पॉलिसीज से पता लगता है। तो अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा लिटरेट है, तो इट मींस कि वहां की जो एजुकेशन पॉलिसी है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वो अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनता को पढ़ाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो ज्यादा पैसा खर्च करती है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए। ठीक है, वहां की जो टीचिंग व्यवस्था होती है उस पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, सो दैट बच्चों को या फिर देश की जनता को अच्छी एजुकेशन दी जाए, उनको अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। जब लोग पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ने लिखने के बाद ही वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, वहां के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए वो फिर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर लोगों के पास एजुकेशन होगी, उनके पास कोई टैलेंट डेवलप होगा, उसके बाद ही वो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो जिन कंट्रीज की ज्यादा पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है वो कंट्रीज उतनी बेटर मानी जाती हैं। ये भी किसी कंट्री की इकोनॉमिक या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अब हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़ है, कौन लिटरेट है, कौन इलिटरेट है। तो हम अगर इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो यहां पर एक पैरामीटर बना के रखा हुआ है, एक क्राइटेरिया है कि इंडिया में रहने वाला कोई भी आदमी जिसकी उम्र 7 साल से ऊपर है, अबव देन द एज ऑफ 7 ईयर्स, अगर वो इंसान किसी एक भाषा को पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है, उसको लिख सकता है, और साथ में छोटी मोटी वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, अगर ये काम वो कर लेता है तो वो इंसान लिटरेट माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है। ठीक है, वही अगर किसी इंसान की उम्र 7 साल हो गई है और 7 साल के बाद भी ना तो वो किसी एक लैंग्वेज को पढ़ सकता है, ना उसको लिख सकता है, और ना उस लैंग्वेज की उसको समझ है, तो ऐसे इंसान को हमारी कंट्री में, इंडिया में, इनको इलिटरेट माना जाता है, अनपढ़ माना जाता है। वही अगर किसी बच्चे की उम्र 7 साल से कम की है और वो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, तो हम उसको इलिटरेट नहीं मानेंगे। इसकी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है दैट इज 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल की उम्र होनी चाहिए, उसके बाद अगर तुम नहीं पढ़ लिख सकते हो तो दैट मीन्स यू आर इलिटरेट, आप अनपढ़ हो, आपको इंडिया में
इलिटरेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं पर अगर हमारी उम्र 7 साल हो गई है, उसके बाद हम किसी मिनिमम एक लैंग्वेज को, मैक्सिमम जितना मर्जी हम पढ़ लिख सकते हैं, जितनी मर्जी लैंग्वेजेस हमें आती हों, हम जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को कर सकते हो, बट जो मिनिमम क्राइटेरिया है एक लिटरेट पर्सन बनने के लिए, किसी एक लैंग्वेज में, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, उसको पढ़ना लिखना और समझना हमें आना चाहिए, और छोटी मोटी जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो करनी हमें आनी चाहिए, तो हम एक लिटरेट इंसान कहलाएंगे। ठीक है,